हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज के इस नए व्लॉग में। तो आज की इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है, पूरी चीज़ें आप देखते जाना, मैं बताता जाऊंगा, आप देखते जाना। टाइम नहीं लगता व्लॉगिंग करने का, लेकिन क्या करें, कुछ मन समझ में नहीं आता, बनाए तो बनाए क्या, लेकिन अब जो होगा वो बनाया जाएगा। जो हम कर रहे हैं वही डेली व्लॉग के माध्यम से जिस दिन मन करेगा उस दिन आपको बताया जाएगा। तो अभी मैं गाड़ी पर हूँ, ठीक है, और अभी थोड़ा काम पड़ गया है, गाड़ी को लेके जाना है मले था। अभी मैं फिलहाल लचमोली में मौजूद हूँ। और कौन सी जगह मौजूद हूँ देखो बताना, अभी मैं कौन सी जगह पे मौजूद हूँ कमेंट करना, ठीक है। बाकी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। और आजकल ना गाड़ी ना स्टार्ट करने में थोड़ी दिक्कत कर रही है, ये देखो इतना लंबा सेल्फ ले रही है दोस्तों। किसी को मालूम हो कितना लंबा सेल्फ क्यों ले रही है गाड़ी, देखते हैं किसको गाड़ी के बारे में अच्छा नॉलेज है, ये भी इस चीज़ें पता चल जाएगा, ठीक है। और अभी जो है गाड़ी स्टार्ट कर दी है, गाड़ी के नीचे कुछ यार पत्थर भी है भाई, बताओ कहाँ पे है। जहाँ पे पत्थर भी है देखो नीचे, ये नीचे नहीं लगना चाहिए। बाकी इसको निकालते हैं बाहर, आगे देख सकते हो आप किस तरीके की कंडीशन है, ठीक है। मैंने यार छोटा कैमरा नहीं रखा हुआ मैंने, कोई नहीं, दूसरा मोबाइल ऑर्डर किया है दोस्तों तो आ ही जाएगा मेरे ख्याल से, उसका कैमरा देखेंगे कैसा है। इतना बढ़िया कैमरा नहीं है, लेकिन थोड़ा मेरा टाइम की बचत होगी इस वजह से दूसरा कैमरा मंगाया है। देखो टायर जो है पत्थर पर नहीं चढ़ना चाहिए, फिर भी प्रयास करते हैं कि हम वहाँ पर एकदम सटीक तरीके से गाड़ी निकाल पाए। तो फाइनली दोस्तों हमने गाड़ी जो है बिना पत्थर पे टच किए निकाल दिए। देखो यहाँ पर पत्थर, ये रहा और हमारा टायर था यहाँ पे, पत्थर यहाँ पे, ठीक है। बाकी हम चल रहे हैं, अभी थोड़ा यहाँ पे देखते हैं क्या काम है, क्या लेके जाना है, ठीक है। गाड़ी भी ले जानी है कि रिवर्स में, थोड़ा सामान डालना है गाड़ी में। यहाँ से भी हमें रिवर्स में लेके आनी होगी, अभी आपको बताते हैं। तो रिवर्स करते टाइम दोनों शीशों में, तीसरे शीशे में, और एकदम देख के जाना होता है, नहीं तो जो है कुछ गड़बड़ भी हो सकता है मामला। पीछे कर रहा हूँ, ठीक है। फाइनली यहाँ पर पीछे कर चुका हूँ। ये जो आदमी आप देख रहे हैं दिन भर काम नहीं करते भाई साहब, बैठ बैठ के सैलरी ले रहे हैं, बैठ बैठ के, और देखो फिर बैठ रहे हैं। देखो काम धाम इन्हें कुछ करना नहीं है, अब बैठ रहे हैं। देखो वीडियो बना दिया ना आज, और यहाँ से लेके जाना है हमने, देखो अनी, ये अनी गियर के खांचे है, देखो बढ़िया वाला लॉक में लिया, खोलियो अनी नहीं अली, अरे लॉक है यार, एक मिनट है अली अली अली, चैनल सब्सक्राइब कर दिए वाह, ऐसा बोलो अली सर चैनल सब्सक्राइब कर दिए, लव यू, हे बाबा। हाँ नीचे ही रखना, लिट आगे रखो, लिट आगे, नीचे गिरेगा नहीं तो। अरे ये क्या है, ये कैंपर का, ऐसे ही रख दो, ऐसे ही नीचे ही रखना है। हाँ अरे क्या ऐसे हो जाता है इधर, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और अभी जाएंगे अम्बले था, चलो लेट्स गो, पैसे तो कमा रहे पापा, ठीक है। हैं महीने में 70-80 हज़ार कमा रहा है ये लोग, रात में कब सो रहे पता नहीं यार, ये लोग बोलो अली चैनल सब्सक्राइब कर दिए, बोलो भाई ब्लैकमेल करेगा, नहीं करेगा ब्लैकमेल,
तो बोलो अली चैनल सब्सक्राइब कर दिए। ये मन की आपके आंध्रा से है, आंध्रा से आंध्रा में बोलो तो सब ठीक ठाक है। सुनो तो किसको ले आना है स्टोर में, वो गए थे भैया चलो उसको। सुनो तो आंध्रा में बोलना कि आप सब लोग कैसे हो, क्या बोलोगे? चपंडी अन्नम तिनारा, चपंडी अन्नम तिनारा। कोई इसको लिख सकता है तो बताना आपके क्या हाल है, आप क्या बोलेंगे, आपके क्या हाल है? जोर से बोलो ना, एट संगते। अच्छा ऐसा बोलेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर देना, तब क्या बोलेंगे? लाइक चाहिए। देखो उसमें कौन सी भाषा है तुम्हारी? आंध्रा, आंध्रा तेलुगु। वाह तेलुगु में कुछ इस तरीके से बोलते हैं, बड़े मस्त आदमी है, ऐसे नहीं है, खुश मिजाज खुश दिल। इधर दिखाओ, डेढ़ सौ का पेन है, लिखती पैसा है, निकलता है उस पर रुपया है। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही लंबा होने वाला है। गाड़ी आ गया उसको चले जाना। और ये जो है L&T का वो है, पीछे नहीं करे स्टोर में चलना, उसको स्टोर में होगा, स्टोर में चलो उसको, स्टोर में सिग्नल आने दो, नहीं होगा ना स्टोर में। हाँ अरे ड्राइविंग चलते 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 उसको ड्राइविंग चलते 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 तो पैसा कमा रहा है उसमें। अरे बहुत लंबे टाइम से वीडियोस वगैरह नहीं बनाई थी ना, मैंने कहा क्यों ना वीडियोस ही बना ले। तेरी अकाउंट वाला आ गया रे, ऐसा हो गया भैया अकाउंट। वाओ हेलो विचित्र कहां गया ये दिल्ली पे? आज 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 कोई आगे आज उधर ही ठीक है ठीक है। स्टोर में चल रहा हूं उसका। हमारी एक सवारी और आ चुकी है, इनसे बुकिंग लेंगे 500 रुपए। बाकी अब थोड़ा दोबारा बंद करना। हाँ नहीं तो तुम्हारे ब्रेक छुड़ा देगा। कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा ब्रेक का काम करवा। ये है बलकर, इनको बोला जाता है, इन पे आता है सीमेंट। अरे बाबा शादी करना तू वाला, ये तो है ना वो उसको बंद करके तो बचाना, उसमें यार उसको 4 महीने ही लोअर पेंडिंग है अभी, तो फाइबर शॉट खींचवाना, ब्लास्टिंग लेना, LG ले लेना, सारा लगाना है। गंदी बात है। चार महीने और आराम से उसको पहुंचा, आराम से लेके आओ। बाकी आज मौसम हो रखा है एकदम फर्स्ट क्लास, जगास मतलब धूप लग रही है ना कैमरे के लिए, गर्मी तो बहुत भयंकर हो रही है। कैमरे के लिए तो प्रॉपर लाइटिंग है बट अरे पानी नहीं है हमारे उस पे तो। और अभी स्पीड है दोस्तों 33 की, ठीक है। बाकी ये है लक्ष्मोली मलेथा हाईवे ऋषिकेश से जो बद्रीनाथ के लिए जा रहा है, देख सकते हैं हमारी स्पीड हमेशा स्लो रखी रहती है, हमसे तेज जो है ये गाड़ियाँ भाग रही हैं। देखो एम्बुलेंस भी आराम जा रही है लेकिन अल्टो हमारी आगे भाग चुकी है। पुलिस वाले ना हो आगे तो ब्लॉग बना देंगे, सीट बेल्ट नहीं दे लगा था पहले, होंगे तो कोई बात नहीं, आज ब्लॉग ही बना देंगे, रोक देंगे, पीछे रिवर्स चलेंगे, फिर पीछे चले जाएंगे टनल के अंदर से जाएंगे फिर मलेथा। और ये हमारा 2 से 3 किलोमीटर की राइड है, तो यहाँ पर हम नहीं समझते कि सीट बेल्ट लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, आप बताना ठीक है, क्योंकि ना पसीना हो जाता है पीठ पे भयंकर वाला, ठीक है। और स्लो चलते हैं हम, इसमें तो सीट बेल्ट की आवश्यकता में है नहीं, 20-30 की स्पीड में जाना है ठीक है, ऐसे 80 पे हम जाएंगे नहीं, जैसे हमारे आगे अंकल जी जा रहे हैं देहरादून नंबर वाले, ठीक है। बाकी ये है आपकी अलकनंदा नदी, नीचे दिखाई दे रही है आप लोग, ठीक है। बाकी मेरा ध्यान दोस्तों आगे है, कैमरे पे नहीं है, थोड़ा इधर उधर हो रहा होगा तो माफ़ी चाहेंगे आपसे, क्योंकि पहले अपनी सेफ्टी वाल
बाकी देखो ये देखो ये देखो स्विफ्ट वाले कहाँ आ रहे हैं। गाड़ी वाले भी देख रहे होंगे, मतलब ब्लॉगर नहीं ड्राइव कर रहा वही ब्लॉगिंग कर रहा है, वाला तो करता ही था। चलो हाँ तो क्या करें, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा कि खुद ही सब कुछ करना पड़ रहा है। हम अपने साथ एक असिस्टेंट नहीं रख सकते, आने लगे पैसे YouTube से थोड़ी बहुत थोड़े बहुत हाँ सब्सक्राइबर 4000 हाँ। बाकी हमारी ये गायें हैं रात को बड़ी डिस्टर्ब करती हैं, रात को बाघ भी आएगा, कल आया था कि मिले था मैं रात को। तो ये हमारी छोटी सी राइड, कितने मिनट लग गए यहाँ पे हमें, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर अच्छी अच्छी दुकानें खुल चुकी हैं, जाओ और सामान लो, पैसे नहीं देने होते इधर, आप निश्चिंत होकर सामान लेके आ सकते हो, पैसे सीधे आपके बैंक खाते से काट दिए जाएंगे। बाकी दोस्तों कुछ सालों में जो है मलेथा के अंदर बहुत सारे होटल्स बहुत सारी दुकानें खुल चुकी हैं, और यहाँ पर एक सवारी है, लेकिन क्या करें हम अभी सवारियों के ले जाने के मूड में नहीं है। अल्लाह टपका सकते हैं हमारे 20-30 रुपए बुसी आ गए हमारे। यहाँ पर बढ़िया एकदम बढ़िया वाला होटल भी मौजूद है, बिना नंबर की गाड़ी भी चल रही है दोस्तों। बाकी बहुत कुछ है बताने को, हम ज़्यादा इस वजह से नहीं बताते आपको क्योंकि आप बोर हो जाते हो, आप भाग जाते हो, तो हम भगाना नहीं चाहते आपको। दोस्तों अभी चलान कट सकता था क्योंकि हमने जो है सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई सीट बेल्ट लगा देते हैं और बताते हैं आपको कि ये सीट बेल्ट लगानी हमारी दूर से नज़र पड़ेगी दोस्तों, नहीं तो हमारा हो जाता चलान। आप कैमरा देते हैं हम पीछे वालों के हाथ में, ये जो है नहीं इधर वालों के हाथ में, ये वीडियो बनाएंगे। चल ये लो तो हो गया, वीडियो बनाओ। ना ना मैं नहीं बनाऊं, ले बना बनाओ बना दो, ऐसे ही रखो आगे देखो। चला ये देखो हम बड़े स्लो प्यार से ले जाएंगे, ये पुलिस का डंडा आपके सर पर पड़ सकता था, ऊपर से बनाओ ना, बनाओ ना ऊपर से। ये देखो यहाँ पर आपका कट सकता था चलान, बड़े सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा। कोई बात छोड़ देता हूँ बाद में, चलो अब दोस्तों फिर हटा देते हैं हम सीट बेल्ट अपनी, क्योंकि हमने साइड के अंदर जाना है, जिसको बहुत जल्दी चलो आगे चलो, उसके बाद हमने जाना है अंदर की साइड। अब हमें सीट बेल्ट की आवश्यकता है नहीं, चलान का खतरा अंदर कम। बाकी ये हम पहुंच चुके हैं सिक्योरिटी पोस्ट पे, और यहाँ पर आपकी बराबर चेकिंग होगी कि आप कहीं माल की हेरा फेरी तो नहीं कर रहे हैं, बराबर आपकी गाड़ी चेक होगी बाहर आते टाइम। और यहाँ पर कंपनी के बल्कर वगैरह जिनके अंदर सीमेंट वगैरह आ रखा होगा ये पहुँच चुके हैं। स्टोर में जाएगा भैया, पहले नीचे जाऊंगा D10 में, उसके बाद आएगा स्टोर में। हां बाकी मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है भैया, शाम को शाम को क्या करेंगे तो आगे बताते हैं आपको। यहां अंदर का धुलाई सेंटर और बहुत ज्यादा गड्ढे हो चुके हैं, गाड़ी बहुत ज्यादा उछल रही है, और यहां पर पट्टे टूटने का खतरा ज्यादा होता है। यहाँ पर देख सकते हो आप हमारे बड़े भाई साहब गाड़ी धो रहे हैं, देखो सारे बोले स्कॉर्पियो ड्राइवर ब्लॉगिंग, उसे भी फोन ऐसे पकड़ा हुआ था। अच्छा फोन पे बात कर रहा था ये देख सकते हो हॉर्न ना मारने का नतीजा, ये हमारी बंदा भी घबरा गया। लेकिन दोस्तों हमारी प्रत्येक सेंटीमीटर पर पकड़ पूरी बना रखी थी, इस वजह से हमने हॉर्न नहीं दिया,
हम कंप्लीटली ड्राइवर नहीं है ना अभी, बहुत सारी भैया हमने सिर्फ सामान लेना है, फिर हमने स्टोर में जाना है। और आपने अधिकतर सुना होगा कि रेलवे के अंदर चल रही गाड़ियां सड़ जाती है नीचे से, तो इस मिट्टी के कारण इनकी हालत डाउन हो जाती है। देखो इस तरीके की मिट्टी है, ये जो डेली चिपकती है, डेली हालत खराब कर दी थी नीचे से। ये देखो ये मैकेनिक, ये बूमर है, बूमर ये। यहाँ पर लगाएंगे हम गाड़ी, पार्क करेंगे यहाँ पर, दिखाते हैं आपको यहाँ के बहुत सारे चेहरे कौन कौन है यहाँ पर मौजूद। बैठो, इनको छोड़ देते हैं फिलहाल यहीं पे और हम चलते हैं आगे। किधर? यूट्यूब पे नहीं डालना, आंध्रा जाएगा ये वीडियो, आंध्रा। ओह माय गॉड, गाड़ी आगे भाग रही है, हैंड ब्रेक ब्रेक मार देना, ठीक है। हैंड ब्रेक नहीं मार रखा दोस्त, इसको खींच देते हैं, अब कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको यहाँ के बंदे लोग। ठीक सर, बढ़िया हो? और ये है देखो, मेरे को भी निकालो, बल इनको पहचानते हो आप, ये कौन है? बाकी हमारे बड़े साहब बैठे हैं अंदर, बहुत बड़े, बहुत बड़े साहब है देखो। क्या चीज है ये? गियर है? अच्छा ये कट चुके हैं ना, ईमान जस्त भरा लाड खोज ने, ईमान जस्त भरा ये उठना नहीं। ये देखो ये पहला गियर होगा, ये दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा गियर। रिवर्स कहाँ है? चलो आप देख लेना, मेरे को जाना है सामान लेके थोड़ा स्टोर से। और ये हमारे साहब जी, और साहब के लिए लगा रखे हैं यहाँ एसी। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ना ऑर्डर तो पहले बेयरिंग के लिए बोला था ना, इनके लिए हमने चश्मे ऑर्डर कर रखे हैं, इनके आंखों पे दबाव पड़ रहा है आजकल बहुत ज्यादा, तो एक एक एमएम का फर्क पड़ चुका है सीधे। देखो जैसे आपने दो तीन साल पहले देखे होंगे, जस के तस शादी हो गए, बच्चे हो गए, लेकिन थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा सेहत पे, एकदम जैसे कि तैसे जवान हैं। हमने सोचा थोड़ा कमजोर होंगे, नहीं तो भाई साहब ले नहीं जगह है, यंग ब्लड है ना, यंग ब्लड है ना, तो टाइम पे शादी करनी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि शादी कर लो टाइम से, तो ज्यादा क्या बताना आप लोगों को, इतना ही बहुत है नहीं, यही पे विराम देते अंदर का। बाकी दोस्तों हम बाहर निकल चुके हैं, ठीक है, अंदर से, और अब चलेंगे हम मले तहसील बाहर की तरफ। फिर से आपको बताता हूँ गाड़ी कैसे कर रही है स्टार्ट करने में। अरे चलो उधर, हमको वहाँ जेसीबी का करवाना है थोड़ा, जेसीबी का ये स्टार्ट नहीं होता अंदर, नीचे रिले वगैरह उसका लाइन कर दो, सही स्टार्ट नहीं हो रही है। ना ना मैं कुछ नहीं जानता, वायरिंग चेक करो, अरे है वायरिंग, वो बोला था फॉल्ट है उधर, अभी स्टार्ट हो जाएगी वायरिंग खोल के लगा देंगे तो फिर दिक्कत पता है, वो हिल जाता है वो, फिर स्टार्ट नहीं होता अंदर जाके। अब जब आए हो तो चलो, लंच के बाद नहीं चलना, लेके चलो साथ में, इंजन तो इंजन वो फिट कर लेंगे, कोई बात नहीं, तो वो तो पैदल आना, इंजन
हाँ हाँ बोलो हेलो डंपर डंपर किसके लिए अच्छा अरे रुको यार रुको मैं बोल देता हूँ दीपक यार डंपर नहीं भेजा है दीपक चलना है कि रुकना है दीपक एक सेकंड दीपक ए दीपक उठा दे मैं जी एक डंपर यार एक डंपर दे दो यार प्लीज यार चुकना होते हैं एक एमडब्ल्यू तो फिलहाल यही दे दी अबे यार किला क्या हमारा ब्रेक डाउन हो ना बस बम्पर बेहतर था अच्छा वो डंपर डंपर भेज दिया प्लीज यार अर्जेंट वेरी अर्जेंट ब्रो प्लीज इसमें ये करवा देते वहाँ नहीं तो गैंट्री रुक जाएगा चल ये देखो नीचे की हालत डंपर मांग रहा है क्या अंदर के लिए डंपर के लिए मैंने और ये देखो लोड रहे दोस्तों इसका टायर दिखा था आप कितनी हाइट पे हमारे ठीक है जितनी हमारी गाड़ी की हाइट है ना इतने तो इसका टायर ये देखो बढ़िया तेज रहा है आ रहा है बाकी फुटेज आगे की बड़ी मस्त आ रही है अभी ये देखो अरे यार थोड़ा तो एडजस्ट कर लिया करो कभी आ रहा है ना डंपर वो मैं तो अपनी तरफ से कर रहा हूँ मेरे भी तो इतनी गाड़ियाँ खड़ी है अब पहुंचे हम दोस्तों यहाँ के स्टोर में कुछ इस तरीके से देखो भारी से पता चल जाता है कि स्टोर है कुछ दिखता तो है ऐसे ये पाइप वाइप नो एंट्री है हमारी अंदर हमारी हम जाते हैं फिर भी और देखो अंदर के हाल भरा एकदम पानी बाकी गोबर सारने के लिए बढ़िया है गांव में ला 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 आजा तो चाय पी के आजा 1.7 के 1.3.1 के मांग रहा है अब मैं फिलहाल दोस्तों इस वाली गाड़ी पे हूँ दुपट्टा की तरफ देखते हैं वहाँ पे कुछ सवारी वगैरह हैं या नहीं है वैसे अधिकतर बुकिंग वगैरह पे चलना होता है आज देखते हैं सवारी वगैरह हैं वहाँ पे कि नहीं है ठीक है मिलते हैं आपको सीधा दुपट्टा में इसका दोस्तों कांच भी क्रैक हो रखा है अब सोच रहा हूँ इसको बदलवाने की लेकिन जो है पैसे नहीं है भाई साहब कांच बदलवाने के लिए ठीक है ना आजकल कुछ काम धाम है गाड़ियों पे तो जब थोड़ा बहुत पैसा होगा तो तुरंत चेंज करवा लूँगा ठीक है फिलहाल के लिए ऐसे ही चलना पड़ेगा क्या कर सकते हैं धंधा है मंदा तो क्या करे बंदा ठीक है मिलते हैं आपको सीधा दुपट्टा में दोस्तों उतनी आजकल सवारियां नहीं हो रही जितने का तेल डलवाना पड़ रहा है बस आजकल तो बस तेल डलवाओ उस पैसे की मत सोचना कहाँ से आएंगे अभी हम दोस्तों पहुंच चुके हैं दुगुड्डा में देखो फिर वही वाली लोकेशन और अभी भी एकदम खाली खाली लग रहा है थोड़ा क्योंकि यहाँ पे जो सवारियों का टाइम होता है वो 3 बजे से पहले पहले होता है उसके बाद थोड़ा सुनसान ही रहता है मौसम ठीक है अभी कुछ इस तरीके से लग रहा है ये देखो अभी यहाँ पर कर रखी है गड्डी गड़ी ठीक है और यहाँ से जाते हैं अपने घर के लिए रोड दोस्तों सवारियां तो कोई थी नहीं
और मैंने कहा यार चलो घर चलते ही है, तो दो तीन जो दुकानदार भाई लोग हैं उनको लेकर, आप पहचानते ही होंगे कौन कौन है, नाम ज़रूर बताना, तो उन्हें लेकर मैं सीधा निकल गया घर की ओर। मैंने कहा चलो घर चले ही जाते हैं, क्या सोचना तेल तो खर्च हो गई पर कोई नहीं चलते हैं, मैंने कहा। फिर मैं घर पहुंच गया लेकिन अंधेरा हो चुका था।